वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर यू आर राव, सी डॉक्टर होमी भाभा और डी डॉक्टर चिदंबरम। इसका उत्तर है डॉक्टर होमी भाभा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ऑप्शन ए थोरियम, बी रेडियम, सी सीसा और डी पोलोनियम। इसका उत्तर है सीसा। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लिग्नाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बिटुमिन और डी पिट। इसका उत्तर है पिट। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है और उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए 4 महीने में, बी 6 महीने में, सी 8 महीने में और डी 12 महीने में। इसका उत्तर है 8 महीने में। वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए पॉल सी लोटरबर्ग, बी सिडनी ब्रेनर और सी एच रॉबर्ट हार्बिज और डी जॉनी स्टार। इसका उत्तर है पॉल सी लोटरबर्ग। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ईंधन, बी शीतलक, सी नियामक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है नियामक। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी कोयला, सी यूरेनियम और डी जलने वाली गैस है। इसका उत्तर है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विमंडक के रूप में, बी ईंधन के रूप में, सी स्नेहक के रूप में और डी विद्युतोत्तरी के रूप में। इसका उत्तर है विमंडक के रूप में। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रक्षेप शास्त्र है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी त्रिशूल और डी नाग। इसका उत्तर है अग्नि। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यूक्लिड, बी पाइथागोरस, सी केपलर और डी अरस्तु। इसका उत्तर है यूक्लिड।